सुना मित्रांनो, चला मित्रांनो, चला 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 हो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सगळ्यांना। गुड मॉर्निंग। ऑडिओ व्हिडिओ क्लियर आहे का? कन्फर्मेशन द्या बरं जरा। ऑडियो वीडियो क्लियर है का? बस ठीक है, अच्छा अच्छा ओके। शुरुआत करूया महत्त्वाच्या टॉपिक ने। बघा छोटे छोटे टॉपिक किती महत्त्वाचे असतात याचा अंदाज तुम्हाला एग्जाम्स देताना आला असेल। आणि रिझल्ट आता जेव्हा डिक्लेअर होत आहेत हळूहळू तेव्हा तुमच्या लक्षात ही येत असेल कि अर्धा मार्क एक मार्क किती महत्त्वाचा असतो, है ना। गुड मॉर्निंग। असाच अतिशय इम्पॉर्टंट छोटा पण मोठं काम करणाराचा टॉपिक। बँकांच्या एग्जाम मध्ये कोणती एग्जाम असू द्या बँकांची, अल्फा न्यूमरिक सीरीज असा रिजनिंग मध्ये एक क्वेश्चन कंपल्सरी असतो। कधी कधी ते एकत्र येतात म्हणजे अल्फा न्यूमरिक सीरीज अशी येतात, किंवा कधी कधी वेगवेगळे येतात। त्यातली वेगळी येणार मी थोडंसं वेगळं करून त्याला सांगणार आहे किंवा शिकवणार आहे असं म्हणा। आपण काय करणार आहे की अल्फा न्यूमरिक सीरीज मधलं अल्फाबेट सीरीज असं सेपरेट घेणार, न्यूमरिक सीरीज सेपरेट घेणार आणि अल्फा न्यूमरिक एकत्र पण घेणार। म्हणजे तिन्ही काम आपले होतात आणि तिन्ही कन्सेप्ट, तिन्हीच्या पण कन्सेप्ट तुम्हाला व्यवस्थित समजतील, समजतात। मित्रांनो, आजचा टॉपिक सुरू करायच्या आधी एक थोडस तुमच्यासाठी इन्स्ट्रक्शन आहे ते देऊन टाकतो आणि मग पुढे जातो। इन्स्ट्रक्शन असं आहे कि जे जे काही तुम्ही डेली टास्क मध्ये सॉल्व करत आहात ते तुम्हाला तुमच्या बॅचच्या ऍप मध्ये सेंड करायचं आहे। म्हणजे तुम्हाला जे ऍप वर तुमची जी बॅच आहे, जसं समजून घ्या फाउंडेशन बॅच आहे, तर आप उसके ऊपर उसको सेंड करू आणि तिथं तुम्ही तुम्हाला न आलेलं किंवा एखाद्याला जर समजा तुमच्यापैकी एखाद्याला एखाद्या क्वेश्चनचं आन्सर आलं नसेल तर तुम्ही तिथे काय करा, डिस्कस करा आपसात आणि एक दुसऱ्याची मदत करा, हेल्प करा सॉल्व करण्यासाठी। आणि नाहीच सॉल्व झालं तर मग बोर्डेज करिअर अकॅडमीचा तो फॅकल्टी ट्युटर तुम्हाला मग ते समजून सांगेल। म्हणजे यांनी काय होईल माहिती का, तुम्ही त्या ऍपवर तुमचं जे काय डेली टास्क सेंड केलं ना, तो पर्टिक्युलरली तो फॅकल्टी ते बघतो। म्हणजे मी तर कंपल्सरी ते बघणारच, पण मग ते तो फॅकल्टी सुद्धा ते बघत असतो, जो ज्या ज्याने तुम्हाला जो जो टॉपिक शिकवलेला आहे तो फॅकल्टी सुद्धा ते बघतो, है ना। त्याचा तुमचा बऱ्यापैकी फायदा होऊ शकेल, नवे होणार आहे। फक्त एवढंच इन्स्ट्रक्शन आहे, लक्षात ठेवा। तुम्हाला क्लिअर झालं का? यस म्हणा, नाही तर नाही म्हणा। मी सांगितलेलं मग मी अल्फा न्यूमरिक सिरीज मधलं अल्फाबेट सिरीज आज घेणार, उद्या वेगळं आणि परवा मग दोन्ही एकत्र असं आपण घेऊया। चल, तुम्हाला कळतं मित्रांनो सगळ्यांना, इवन तुम्ही जे डेली बुस्टर्स आहेत, जे जे कोणी कॅन्डिडेट सॉल्व करत आहेत डेली टेस्ट बुस्टरचे, ते सुद्धा तुम्ही तिथे सेंड केले तरी चालतील, नवे करा। म्हणजे काय होतं माहिती का, तुम्ही केलं ना तर मग दुसऱ्याला पण वाटतं आपण पण केलं पाहिजे, असं होतंय बऱ्यापैकी, त्यामुळे ते करावं, है ना। चला ओके। सो मित्रांनो, अल्फा न्यूमरिक सिरीज मधली अल्फाबेट सिरीज आज घेतो, उद्या न्यूमरिक सिरीज घेऊ, परवा अल्फा न्यूमरिक सिरीज, असं दोन्ही एकत्र घेऊ। म्हणजे सगळ्याच
तिन्हीच्या तिन्ही टर्म्स म्हणजे तिन्ही टॉपिक मधले तुमचे कॉन्सेप्ट क्लियर होतील. सुरू करतो मित्रांनो अल्फाबेट से. देखिए दोस्तों बहुत बढ़िया टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन काम का टॉपिक है. मैं हमेशा कहता हूँ कि एग्जाम्स को जाने के बाद काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जो हमको आने वाले क्वेश्चन है वो हमसे सवाल ही नहीं होते, मतलब वही वहाँ तक हम पहुँचते ही नहीं है, है ना. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है अब तक काफ़ी कैंडिडेट का. इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई एक आधा मिनट निकाल के पूरा एक बार नेक्स्ट 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 करके चेक भी कर लेना कि कहाँ हम है और कहाँ हमको आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों. सो दोस्तों देखिए, क्योंकि अब लगभग धीरे धीरे सभी का रिजल्ट आने लग गया है. IBPS RRB PO IBPS RRB क्लरिकल का रिजल्ट ऑलरेडी आया है, उसका एक वीडियो भी मैंने YouTube के ऊपर किया हुआ है, उसके उसमें सब डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ वो करना उचित भी नहीं होगा. लेकिन आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो बच्चे बिल्कुल उसको देख लेना, फॉरवर्ड करना सभी तरफ, उन लोगों तक जो लोगों के वो काम का है, सभी के काम का वो है. और इसलिए मैंने उसमें बहुत डिटेल में बताया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ गलत होता है कहाँ गलत नहीं होता है ना, उसको आप जरूर चेक करें. और दोस्तों जितना टॉपिक छोटा उतना वो काम का होता है, क्योंकि भैया ये तो बिल्कुल तय है कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है ना. मुंगी आपल्या तोंडामध्ये एक छोटासा साखरेचा दाना घेऊन पूर्ण वाट काढत अडचणीतून डब्याच्या मागे जाऊन आपलं अन्न जमा करते, और एक एक शक्कर का तिनका जमा करके उस डिब्बी के पीछे शक्कर का ढेर जमा कर देती है. ये सीखना हमको चाहिए उस चींटी से. तो भैया इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि छोटा टॉपिक बड़ा काम कर जाता है ना, एक एक तिनका घोंसला बना देता है, ये बात याद रखना भैया. वैसे हमको आधा मार्क एक मार्क आधा मार्क एक मार्क ऐसे जोड़ करके ही आगे निकलना पड़ेगा, वही मार देने वाला इजी लगने वाला लेकिन कभी कभी टाइम लेने वाला टॉपिक दोस्तों आज मैं आपके सामने यहां डील कर रहा हूं, अल्फाबेट सीरीज. तो भैया ये अल्फाबेट सीरीज जो नाम का टॉपिक है, इसको भैया सॉल्व करते समय कुछ पॉसिबिलिटीज को आपको याद रखना है. कौन से पॉसिबिलिटीज है, जैसे नंबर सीरीज की टेस्ट सॉल्व करते समय आपके ध्यान में आया होगा, जिन जिन लोगों ने सॉल्व किया है उनके ध्यान में आया होगा कि तीन पॉसिबिलिटी के बगैर नंबर सीरीज कंप्लीट ही नहीं होती, जो मैंने बताई थी आपको. और आज भी मैं नंबर सीरीज की डेली टास्क में आपको टेस्ट भेजने वाला हूं दोस्तों. क्यों भेजने वाला हूं, 5 मार्क आपके डिसाइड करने वाले नंबर सीरीज क्वांट में. अब ये अल्फाबेट सीरीज को सॉल्व करते समय दोस्तों तीन पॉसिबिलिटी को याद रखना. पहली पॉसिबिलिटी मैं यहां लिखता हूं कि फर्स्ट लेटर से सेकंड लेटर, सेकंड से थर्ड लेटर, थर्ड से फोर्थ लेटर आया कैसे वो देखना. माने कैसे, ए ए बी सी डी ई ऐसे लिखा हुआ है, मिसिंग अल्फाबेट हमको ढूंढना है. तो पहली पॉसिबिलिटी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई आया कैसे वो देखना. मतलब क्या कि कुछ ऐड हो रहा है क्या, कुछ माइनस हो रहा है क्या, ये देखना. यही पॉसिबिलिटी आपकी पहली है. दूसरी पॉसिबिलिटी दोस्तों इसका अल्टरनेट रिलेशन देखना दोस्तों. अल्टरनेट मतलब क्या, एक छोड़कर एक रिलेशन देखना, उसमें भी दोस्तों प्लस हो रहा है क्या माइनस हो रहा है क्या उतना ही देखना, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है, एक मार्क आपको मिल जाएगा. तीसरी वाली भी पॉसिबिलिटी दोस्तों इसमें है, और ये पॉसिबिलिटी दोस्तों आपको इंडिविजुअल रिलेशन देखने का काम करने के लिए बताएगी. वो कैसे, जैसे एग्जाम्पल आएगा मैं आपको बताते चलूंगा, है ना. ये तीन पॉसिबिलिटी याद रखना, पहली फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ अल्फाबेट आया कैसे वो देखना, दूसरा अल्टरनेट, तीसरा इंडिविजुअल. अब हम एक एक क्वेश्चन को डील करते जाएंगे
तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, पॉसिबिलिटीज अगर क्लियर हुई है तो बोल देना बोर्डे सर ढोल बजा के पॉसिबिलिटी क्लियर हुई है, आप आगे जा सकते हैं, बोल दीजिए भैया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, बोल दीजिए भैया ढोल बजा के, यस नो बोल देना मैं आगे चला जाता हूं। यस हाँ चलिए, एक मार्क मैं आपको दिलाने की कोशिश कर रहा हूं, एक मार्क कितना मायने रखता है ये आईबीपीएस क्लेरिकल का, आरआरबी का रिजल्ट आने के बाद और पीओ का रिजल्ट आने के बाद ध्यान में आएगा, और इसलिए देखना भैया एक मार्क ही होता है जिस एक मार्क के लिए हमको बहुत झगड़ना पड़ता है, वो एक मार्क मिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये तो एक मार्क से मैरिट जिसका मतलब कि छूट जाता है उसको ही पता है मैं जो बोल रहा हूं ना। तो भैया देखना ये पहले वाला एग्जांपल, यहां पर देखिए R से U, U से X, A से A, A से D और ये अल्फाबेट, मिसिंग अल्फाबेट हमको ढूंढना है दोस्तों, तो चलिए ढूंढ लेते हैं। लेकिन ढूंढने से पहले दोस्तों याद रखना एबीसीडी को अपने आपके सामने रखना, एबीसीडी को सामने रखना मतलब कैसे, ए से जेड तक की एबीसीडी लिख देना, यहां पर ऊपर 13 लिखना नीचे 13 लिखना, ए से यम ऊपर, यम से जेड नीचे, ऐसे लिख देना है ना। मैं आपको सिर्फ समझने के लिए यहां लिख देता हूं, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, लेकिन फिर भी आप लिख देता हूं, या आपके पास लिख कर रख देना O P Q R S T U V W दोस्तों X Y Z, इसको नंबर दे देना 1 2 3 4 5, ये 13 तक आएगा ये 26 आएगा, ऐसे करना। अब चलिए मैं पहले वाले को सॉल्व करने जा रहा हूं, पहले वाला क्वेश्चन R से U देखना दोस्तों आया कैसे, पहली पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे R से U, ये R है आपका, ये R को छोड़ देना माने स्किप कर देना, और ये R से कहां तक देखना U तक, वहां तक काउंट करना, R को छोड़ देना भैया 1 2 3 प्लस 3 है, लिख देता हूं यहां प्लस 3। अब U से 3, U से X देख भैया, U से X भी तुझे दिखेगा प्लस 3 है, X से A देखो, X से A 1 2 3 प्लस 3 है, A से T देखो प्लस 3 है, अब जो रिलेशन पीछे होगा वही आगे कंटिन्यू होना चाहिए, तो D से भी प्लस 3 देखेंगे 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा G, ऑप्शन में G है, B हमारा ऑप्शन है। ये समझ में अगर आया होगा तो बोल देना ढोल बजा के बोर्डेशन क्लियर है, बोल देना जल्दी से यस नो यस नो बोल देना भैया ढोल बजा के, यस नो यस नो बोल देना ढोल बजा के, ओके क्लियर है, क्लियर है बोर्डे सर। चलिए अब हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल को ट्राई करेंगे, अलग अलग टाइप के करेंगे, यानी आपको वो अच्छे से समझेगा दोस्तों। तो चलिए मैं अभी आगे बढ़ता हूं, थोड़ा आगे जाता हूं, एबीसीडी मैंने यहां लिख दी है, आप ध्यान आपके पास लिख लेना, क्योंकि मैं आगे जब जाऊंगा तो एबीसीडी भी आगे चली जाएगी, इसलिए भैया आप आपके पास लिख लेना, मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब मैं आगे जा रहा हूं, अलग अलग देखेंगे ये, बाकी आपको सॉल्व करना है बाद में, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, अलग अलग टाइप के देखेंगे तो और अच्छे से समझेगा दोस्तों। तो चलिए अब यहां मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूं, यहां ये इसको जूम कर देता हूं। चलिए भैया ढोल बजा के अब आपको करना है, देखिए ये 12 वाला आपको सॉल्व करना है, करिए 12 वाला, 12 जेड डब्ल्यू एस पी एल आई मिसिंग अल्फाबेट है, आपका टाइप शॉर्ट हो चुका है, तीन पॉसिबिलिटी है, कौन सी देखो फॉलो होती है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, या फिर अल्टरनेट या फिर और अलग। चलिए शुरू हो जाइए ढोल बजा के, लगाइए जोर, बजाइए ढोल जल्दी से भैया। एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी ये फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा। चलिए 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 भैया ढोल बजा के, वाह 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 बहुत काफी लोग, चलो जल्दी जल्दी भागते जाओ भैया ढोल बजा के,
ऑप्शन ऑप्शन बता रहे या आंसर बता रहे ये भी मुझे क्लियर बोलते जाओ। हाँ आप लोग जो बोल रहे हैं वो ऑप्शन है या आंसर है? आंसर है हाँ, क्योंकि यहां ए बी सी डी ऐसे ऑप्शन भी है ना दोस्तों, आंसर है, ऑप्शन ए है और आंसर भी है, करेक्ट है, ये करेक्ट है भैया। किसका किसका है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है, माने बी आंसर करेक्ट है, ऑप्शन ए में का जो बी है लेटर वो करेक्ट है। समझ में आ रहा है ना सबको? क्लियर हुआ है क्या? आगे जाओ क्या डन डना डन एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता जरूरत है। चलिए आगे ढोल बजा के ये वाला सवाल कीजिए भैया और मुझे बोल देना 15 वाला कर दे भैया, 15 वाला सवाल ढोल बजा के 15 वाला कर दे। जेड एक्स एस आई आर आर, इसको जूम कर देता हूं दोस्तों। चलिए जेड एक्स आई आर आर ?? देखते हैं आप में से कौन सॉल्व करता है ढोल बजा के। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए लगभग 30 सेकेंड बाकी है। चलिए 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 मैं बोल देता हूं भैया ढोल बजा के जेड, मैं यहां लिख देता हूं उसको, थोड़ा जूम कम कर देता हूं तो हमारे पास जगह भी एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाएगी अच्छे से। ये जेड एक्स एस आई आर आर मिसिंग अल्फाबेट है दोस्तों। इधर देखिए मैं करता हूं, आपका टाइम हो चुका है, इधर आइए। अब आप एबीसीडी आपके पास है ऑलरेडी, मुझे सिर्फ आप बताते जाइए कि जेड से जो एक्स है ये प्लस है क्या माइनस है, मुझे बता दीजिए। प्लस अगर है तो कितना है और माइनस अगर है तो कितना है जेड से एक्स? मुझे लगता है एबीसीडी अगर देखे तो जेड से एक्स माइनस टू है भैया ढोल बजा के। ये क्लियर है क्या? माइनस टू है क्या? है सभी को क्लियर है भैया? बोल देना एक्स से यस कितना है, माइनस है क्या प्लस है? एक्स से यस आप बताइए, क्योंकि मेरे पास अभी एबीसीडी आ नहीं है। बोल देना भैया माइनस फाइव है क्या? जहां तक एबीसीडी मुझे याद है, है भैया है, ये यहां देखिए भैया, यहां डिफरेंस देखिए। अब यस से आई बताइए मुझे कितना है, यस से आई बताइए भैया। यस से आई माइनस टेन है, करेक्ट है, ये माइनस टेन है। अब क्या ठीक हो रहा है आपको? ये डिफरेंस देखिए, ये तीन का, ये पांच का, समझ में आ रहा है क्या? इधर देखो, ये टू प्लस थ्री माइनस फाइव, फाइव प्लस फाइव माइनस टेन, इन दोनों की एडिशन करके इसको सब्ट्रैक्ट करते चलिए भैया। तीन पांच और सात का डिफरेंस सात का आएगा, क्यों? दो दो का डिफरेंस बढ़ रहा है, तीन पांच सात, दस और सात को मिला दीजिए 17 आ जाएगा। मुझे बताइए आई से आर माइनस 17 है क्या? अगर है तो यस बोल दो, नहीं है तो फिर उसको सॉल्व करेंगे, है क्या? यस नो यस नो बोल दो, आई से आर माइनस 17 है क्या? यस नो यस नो बोल देना भैया ढोल बजा के। सर बोल रहे सर क्लियर है बोल दो, अगर है तो काउंट करके बोलो, वैसे मत बोलो, है? यस नो यस नो बोल देना भैया ढोल बजा के, है क्या? यस सर है, सब लोग बताइए है। तो चलिए अब आपको क्लियर हो रहा है क्या कुछ? तीन पांच सात तो ये होगा भैया 9, 17 प्लस 9 माइनस 26 है क्या? देखो आर से आर माइनस 26 है क्या? देखो जल्दी से बोल दो, अगर है तो भैया ढोल बजा के। डिफरेंस बढ़ रहा है देखो दो दो से, 17 प्लस 9 बोल दो, आर से आर माइनस 26 है क्या? यस नो यस नो बोल दो ढोल बजा के, करके देखो ना बाद में बोलो।
हाय आना बोलना भैया, यस सर है। तो अब यहाँ पर ये 11 हो जाएगा, 3, 5, 7, 9 और 11, तो 26 प्लस 11, तो -37। आर से -37 मुझे बताइए कौन है, मैं लिख देता हूं। आर से -37, आपको समझा क्या 37 कहां से आया, मुझे बता देना भैया। श्वेता ने बता दिया है लगभग, जीए बोल रही है श्वेता, करेक्ट है ये जीए क्या, देखो सब लोग बताइए मुझे जीए क्या, यस नो इसमें बोल दो, मैं आगे बढ़ता हूं। जी है, हाँ जी, जी है, हाँ जी, जमुरे ढोल बजा के बोल दे, फटाफट फटाफट बोल दे भैया, यस सर है। तो अब भैया ये यहाँ 11 हो जाएगा, 13 हो गया, 11 हो गया 13, 37 प्लस 30 माइनस 50 बोल दो कौन आता है जल्दी ढोल बजा के, जी से -50 बोल दीजिए भैया कौन आता है, जी से -50 आया क्या, आ गया ढोल बजा के, यस। अब देखिए जी आई ऑप्शन में है क्या, है ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर है, क्लियर हुआ है तो बोल देना ढोल बजा के, बोल दे सर क्लियर है, यस नो इसमें बोल दो भैया क्लियर है क्या, यस सर, नो सर, कुछ तो बोलिए सर, एक्सप्लेन कीजिए, बिल्कुल करता हूं 100%, अगर नहीं आया तो समझा दो, सबको क्लियर है, ढोल बजा के डंडना डन डन कर दो इसको, डंडना डन लिख लो। तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों, चलिए अब आपको ट्राई करना है भैया ढोल बजा के, ये 17 वाला करो भाई, 17 लगाइए जोर, बजाइए ढोल 17, जूम कर दूं क्या थोड़ा, 70 ये लीजिए यहां 70 ए बी बी। अब इसको अल्टरनेट आपको ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अल्टरनेट भैया ए सी डी ई एफ ये आ गया यहां एफ, अब एफ तो भैया एफ तो सिर्फ यहां तो नहीं हो रहा है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, अब ये दोनों में से कुछ तो होगा भैया ढोल बजा के, तो चलिए चेक करेंगे अभी, बी से डी, डी से एफ, एफ से एच, बोल दीजिए भैया कौन आता है, आ गया क्या, जे एफ आंसर है, जे एफ ऑप्शन में है क्या, देखिए जे एफ है भैया, डी है ढोल बजा के डी, क्लियर है क्या सबको, देखिए अल्टरनेट वाली है ना पॉसिबिलिटी, यस नो उसमें बोल देना, क्लियर है क्या सबको, क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं भैया ढोल बजा के, यस सर क्लियर है, तो चलिए भाई आगे जाएंगे अभी, यस ये वाला सॉल्व करेंगे, बाकी जो है आप टेलीग्राम चैनल से इसको उठा लो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर बोर्डेज करियर एकेडमी की आपको ये मिलेगा ये पीडीएफ, वहां से उठा लीजिए और उसको बिल्कुल सॉल्व करिए। चलिए चलिए अब ये 23 वाला कर दे भाई, 23 वाला, 23 जूम करूं क्या, कर देता ये वाला लीजिए, ओहो बी सी डी ई एफ एच आई जे के एल एम एन ओ पी अह, अरे कहीं तो देखते आता है ना रे, देखती बन जाता है, ए बी सी को गैप कर दिया, डी ई एफ जी को गैप कर दिया, एच आई जे के चार है भैया, 2, 3, 4, 5 हो गए, एच आई जे के एल को गायब कर दे, एम एन ओ पी क्यू, सी वाला आंसर है, सी 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 एम एन ओ पी क्यू करेक्ट है भैया, सी ढोल बजा के देखते आ जाता है, सी गुड वेरी गुड, ये देखो ना यहाँ 2, 3, 4, 5 होगा और आखिरी में 6 है, 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर तो 5 आएगा, कौन से 5, ए बी के बाद सी को छोड़ दिया, डी ई एफ है ना, जी को छोड़ दिया, एच आई जे के
एल को छोड़ दिया, एम एल ओ पी क्यू, आर को छोड़ दिया, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स है भाई, ढोल बजा के चलो 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 26 को ट्राई कीजिए, 26 नंबर, 26 सबको क्लियर हो रहा है ना अच्छे से, 26 कीजिए। इसको कैसे करना दोस्तों मैं बताता हूं आपको, इधर देखिए ये वाला, इसमें क्या करना, ये वाला फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट और ये वाला फर्स्ट, मैंने कैसे जी से जे, जे से एन, एन से एस से वाई, चेक करो जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते जाओ, बताइए ढोल बजा के, फर्स्ट 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 चेक करा ग्रुप में का, सेकंड 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 चेक करा, बताइए मुझे आंसर ढोल बजा के, डी डी आएगा, देखिए भैया डी आएगा, ये देखिए ना जी जे एन एस वाई, तो ये एफ डी, यस देखो डी है क्या, यस एफ एल डी है, करेक्ट है, करेक्ट है भैया, करेक्ट है, फर्स्ट 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 को चेक करो, बाद में सेकंड सेकंड करो, एच आर जे के एल एम एन ओ पी क्यू एस स्किप होते जा रहे हैं ना, यस एफ एल करेक्ट है, प्रियंका करेक्ट है, सबको क्लियर है क्या, यस नो यस नो बोल दो, मैं आगे बढ़ रहा हूं, यस नो यस नो बोल देना भैया ढोल बजा के, आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां आइए, ये यहां, यहां आइए भैया, ये 31 सॉल्व करना है आपको, 31 याद रखिए, ये 31 अलग अलग टाइप के देखेंगे, यानी आपको टेस्ट सॉल्व करते समय, डेली टेस्ट जो है वो सॉल्व करते समय प्रॉब्लम नहीं आएगा, कीजिए सॉल्व कीजिए भैया ढोल बजा के, पी एम एक्स डी एन डब्ल्यू एफ ओ यू, यहां भी आप ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट बी से डी, डी से एफ, ए बी सी डी ई एफ, एक एक स्किप हो रहा है, देखो बी के बाद सी, सी स्किप हुआ डी आया, डी के बाद ई स्किप हुआ एफ आया, एफ के बाद कौन स्किप होगा भैया, जी स्किप होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आएगा, तो ये लिख दीजिए यहां ई एच, ये आ गया एच, अब एच कहां कहां है, तो यहां नहीं है, यहां नहीं है, ये तीनों में से है, ये यहां पर आइए, सेकंड 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 एम एन ओ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी आएगा भैया, क्योंकि प्लस वन प्लस वन है, ये आएगा पी, अब एच पी वाला तो हमारे पास ये नहीं है, सी आर डी में से है एच, तो चलिए एक्स डब्ल्यू यू ना, ए बी सी डी एच आई जे के एल एम ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स है ना, एक्स डब्ल्यू यू कौन आएगा, यस आएगा भैया टी, तो ये आया टी, डी वाला आंसर है, एच पी टी, यस करेक्ट है, करेक्ट है दोस्तों, एच पी टी करेक्ट है, एच पी टी करेक्ट है, वेरी गुड, एच पी टी करेक्ट है, चलिए ढोल बजा के 33 को ट्राई करेंगे, 33 कीजिए भैया, 33 ये यहां है, 33 एबीडी डीजीके एचएमएस एमटीबी एसबीएल मिसिंग अल्फाबेट, कीजिए भैया ढोल बजा के, एबीसीडी बहुत बढ़िया है, ये भी बहुत बढ़िया है, कीजिए सॉल्व भैया, करो करो सॉल्व करो दोस्तों,
एसएसडी देखो एबीसीडी प्लस थ्री है, ये वाला फर्स्ट 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 करते जाओ, ए से डी प्लस थ्री है, डी से एच प्लस फोर है, एच से एम प्लस फाइव, एम से एस प्लस सिक्स, तो एस से प्लस सेवन देखो कौन है, चेक करो एक्स होना चाहिए, ये वाला एक्स है, ये आंसर है भैया, क्योंकि एक्स तो यहां अकेले में है, बाकी चेक करने की जरूरत आपको है ही नहीं, एक्स के डब्ल्यू आ गया आंसर ए, है क्या नहीं, ढोल बजा के नहीं, नहीं, नहीं। अरे मैं राम राम हो गया यहां, यहां राम हो गया, चेक करेंगे फिर से एक बार भैया ढोल बजा के, या आइए चेक करो भैया, चेक कीजिए चेक कीजिए, ए डी एच एम एस तो झेड आएगा भैया, है ना, कीजिए डी डी आ रहा है कि देखो झेड के एस झेड के डब्ल्यू डी आंसर है, टी डी करेक्ट है, आप लोगों का करेक्ट है, डी आंसर यस एस है, करेक्ट है करेक्ट है करेक्ट है, डी आंसर है डी डी, सबको क्लियर है क्या, यस नो यस नो बोल देना भैया ढोल बजा के, डी डी सबको क्लियर है डी यस, चलिए आगे जाएंगे, अब यहां आइए ये आखिरी वाले दो को ट्राई करेंगे भैया ढोल बजा के, कीजिए 34 नंबर डी से पी पी से बी करो साल भाई, बोल दो जल्दी से, एबीसीडी देख लो ना आपके पास है तो, यस यहां एबीसीडी लिख दो तो आपको अच्छे से समझेगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सिर्फ आपको समझने के लिए, वैसे तो आप लोग वैसे भी लगभग आंसर आ चुका है सबका, आपका सी आंसर उसका है, डी से एच एच से एल करो चेक, ये डी से एच 1 2 3 4, ये एच से एल 1 2 3 4, ये प्लस फोर प्लस फोर है, इंडिविजुअल देखो आप, ये प्लस फोर प्लस फोर है, पीटीएक्स PTX प्लस फोर प्लस फोर, ये भी प्लस फोर प्लस फोर है, BFJ चेक करो प्लस फोर प्लस फोर है भैया, तो आने वाला प्लस फोर प्लस फोर NRVA के चेक करो, NRV N को छोड़ दो 1 2 3 4 1 2 3 4, NRV C करेक्ट है भैया, C इंडिविजुअल वाली है, मैंने जानबूझकर इसको आपको सॉल्व करने के लिए कहा है, इंडिविजुअल है वहीं पर आप देखेंगे तो आंसर आ जाएगा, एनआरवी सबको समझा है तो बोलो क्लियर है क्या, यस नो यस नो बोल दो, सबको क्लियर है क्या ये वाला, यस नो यस नो, यस सर क्लियर है सब लोग क्लियर, चलो ये सॉल्व करो फिर अभी 35 वाला, 35 नंबर डब्ल्यू एफ बी टी जी डी क्यू एच जी क्वेश्चन मार्क करो चेक, डब्ल्यू टी क्यू ये वाला फर्स्ट 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 चेक करो, डब्ल्यू टी क्यू -3 -3, ये -3 -3 -3 है, तो क्यू से -3 यन आएगा भैया यहां, ये -3 यन आया ऑप्शन में यन, ये तीन ये यहां तो नहीं है, ये इसके में से है, यानी के आंसर तो आना चाहिए एफ जी, एफ से जी प्लस वन, ये वाला एफ जी एच, एफ जी एच प्लस वन है, तो एच से प्लस वन देखिए कौन आएगा, आई, ये आया एन आई, ये ऑप्शन तो है ही नहीं है, अब रहा ए और बी में से, बी डी जी, बी डी जी देखो प्लस टू, पी से जी प्लस टू, डी से जी प्लस थ्री, तो ये आएगा प्लस फोर के, एन आई के बी ऑप्शन,
एन आय के करेक्ट है, करेक्ट है, सब लोग करेक्ट है, एन आय के करेक्ट है भैया ढोल बजा के। वेरी सिंपल, वेरी इजी। यस सर, क्लियर है क्या सबको? एन आय के, एन आय के क्लियर है क्या? यस सर, यस सर, वेरी गुड। अब मुझे बताइए आप लोगों को ये आज का जो टॉपिक आपका एक मार्क क्लियर करने वाला है, कवर करने वाला है, आपको मिलने वाला है, इस एक मार्क में आपको कोई दिक्कत है क्या? इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है या नहीं है? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, और ऑल इज क्लियर? ढोल बजा के क्लियर है क्या भैया? यस सर, ओके। तो अब क्या करो दोस्तों, आप लोग, आप डेली टास्क आपका अलग चीज है, और आपको और एक बात आज करनी है, वो ये है कि ये अल्फाबेट सीरीज की जो पीडीएफ है ये आपको बोर्डेज करियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, वहां से उठा लो और पूरा अल्फाबेट सीरीज सॉल्व करो। डेली टास्क आपका जो होगा वो तो आपको करना ही है, उसके अलावा साथ साथ ये भी करना है। तो चलिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे समझ करके आज मैं यहीं पर आपसे विदा लेता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चलिए, थैंक यू। सचिन, ये ट्यूशन का क्या है?